गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज अभी बज रहे हैं 7:30 शाम के और अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली सुबह इन्होंने क्या सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया। सुबह आज तो बहुत ज़्यादा रेस्ट की। हाँ आप यहाँ आज बहुत ज़्यादा रेस्ट की मैंने आज, मतलब पूरी जो नींद थी मेरी इतने दिनों से वो पूरी की आज मैंने। और हाँ इन्होंने आज इन्होंने आज मुझे एक भी काम नहीं कर, एक भी नहीं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ क्लीनिंग की। आज इन्होंने मुझे खाना भी नहीं बनाने दिया। खाना इन्होंने बनाया है, इन्होंने बनाए थे आज छोले भटूरे और वो हम लोगों ने खाए लंच में और हम लोग फिर सो गए थे। तो उसके बाद उठे, फ्रेश हुई, जैसे मेरा रूटीन होता है वर्कआउट किया, जो भी करना था वो घर का, शाम का दिया बत्ती वगैरह ये वो, और अभी आपसे बात कर पा रही हूँ। आज तो पापा को ही परेशान करना चालू है आपका तो। यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, बच्चे और पापा मिलके फ्रेंच फ्राइज की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या हो रहा है ये हाँ अच्छा, अद्विक को भूख लगी है, आपको भूख लगी है इसी वजह से ये चल रहा है। ये लो ना चॉपर। हाँ चॉपर। हाँ तो क्या बन रहा है यहाँ पे? नहीं ये आलू किस लिए छिले जा रहे हैं अद्विक? फिंगर्स बनाने के लिए। मुझे भूख लगी है इसलिए कर रहा हूँ मैं। तो अभी आलू छिले जा रहे हैं फिंगर्स बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम भूख लगती है। आज तो पापा को ही परेशान कर रहे हो आप सब, है ना? आज तो मुझे आराम ही मिल गया यार, नींद पूरी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, फ्रेश लग रहा है आज तो बहुत आराम मिल गया मुझे। लंच भी हस्बैंड ने बनाया और क्या बोलते हैं, अभी बच्चों के लिए स्नैक्स में भी हस्बैंड ही बना रहे हैं। नसीब से मिलते हैं ऐसे हस्बैंड? नसीब से नहीं मिलते, हर किसी को ऐसे हस्बैंड मिलते हैं क्या? जरूरी है ना, घर में क्या करना, किसको करना। हाँ लेकिन आप ड्यूटी भी करते हो, घर पे थोड़ी ना बैठे हो आप। हाँ ड्यूटी कर रहे हो ना आप, ड्यूटी करके इतना सारा करना बड़ी बात है। बाय बाय। अरे अरे ब्लॉग को एंड नहीं कर रही हूँ अद्विक, मैं एंड नहीं कर रही हूँ ब्लॉग को। माही पापा को हेल्प करो बेटा आप भी। मैं तो आज कुछ नहीं हेल्प करने वाली आपको। हाँ देखो आज अलग टाइप से बना दे मैं। शाम के जो कपड़े होते हैं वो धो के रखे हैं नहाने के, तो चलिए अभी इसे डाल के आती हूँ। इसे डाल देते हैं ऊपर क्योंकि आज ना थोड़ी सी बारिश हुई बाहर शाम को, तो इसी वजह से बाहर तो नहीं डाल सकते हैं, ऊपर ही डालना पड़ेगा। तो ऊपर ही डालती हूँ और आप लोगों को पता है हम लोगों ने ऊपर स्टैंड रखा है कपड़ों का। अरे यार कुछ भी नहीं, अंधेरा है। कपड़े तो डाल दिए हैं, अब जाके बनाती हूँ डिनर।
डिनर में बनने वाली है आयते की सब्जी। बेसन का आयता नहीं होता है, बेसन का आयता जो बनाते हैं हम लोग पराठा टाइप में, तो उसे काट काट के रस्ते में डालते हैं, तो वो वाली सब्जी बनाते हैं हमारे साइड में, बहुत सारे लोग बनाते हैं। पता नहीं आप लोगों में से कोई बनाता होगा या नहीं, बट हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग बनाते हैं, फेमस सब्जी है। तो चलिए फिर वो बनाती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, कोई तामझाम नहीं है उसमें। सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो फिर इन्होंने आइडिया दी कि ये बना लो करके, तो मैंने बोला चलो आज वही बनाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा बेसन का चीला वही सब्जी के लिए, और हमारे जो मराठी है वो आयता बोलते हैं उसे, इसी वजह से मैंने आयता मतलब मैं आयता ही बोलूँगी। तो यहाँ पर बेसन का आयता बनाने के लिए बेसन लिया है, उसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है और नमक ऐड किया है, तो और बस उसमें पानी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर मैंने मसाला भी रेडी कर दिया था, मतलब टोमेटो और प्याज जो है वो थोड़ा सा भून लिया था हल्का सा, और वो एक साथ मैंने पीस लिया था, तो तेल डाल के थोड़ा सा भून लिया था और एक साथ पीस लिया था, तो वही जो पेस्ट है वो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ तेल में, और अच्छे से उसे भून लूँगी सारी चीज़ों को। यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो रहा है, अच्छे से भून रहा है। मसाला भूनने में थोड़ा सा टाइम देना है आपको, सिर्फ मसाला भूनने में टाइम अगर दोगे अपना तो आपकी सब्जी, कोई भी आप सब्जी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और जो तेल है वो छूटने लगना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो मसाला है वो रेडी हो चुका था, तो वहाँ पर मैं उसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें हल्दी ऐड की है, धनिया पाउडर ऐड किया है, और फिर उसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, और बस थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। गरम मसाला मैं यहाँ पर एवरेस्ट का ऐड कर रही हूँ, बस उसे ऐड कर देना है, अच्छे से चला लेना है, और उसके बाद उसमें पानी ऐड कर देना है, तो बस पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है आपको ताकि थोड़ा सा ग्रेवी अच्छे से बन जाए हमारी, और जो हम लोग बेसन के चीले के टुकड़े डालेंगे उसमें तो वो पानी पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से ज़्यादा पानी थोड़ा सा ऐड करना है पहले ही, मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं। और यहाँ पर मैंने बेसन की चीला बनाने के लिए तवा भी रख दिया है गैस पे, और इधर बेसन का चीला भी बना लूँगी अच्छे से। बेसन का चीला तो बनाना आप लोगों को आता ही होगा सभी को, बट हमारे महाराष्ट्र में इसकी सब्जी बनती है ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग पता नहीं बनाते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ पर बहुत लोग बनाते हैं। बस इस तरह से बेसन का चीला बना लेना है अच्छे से, और थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है उसे, थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाएगा तो वो अच्छे से मतलब ज़्यादा ये नहीं मतलब गलेगा नहीं सब्जी में, जो हम लोग ग्रेवी बना रहे हैं उसमें ज़्यादा नहीं गलेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है आपको वो चीला, और बस इस तरह से आपको चीला बना लेना है, और उसके बाद आपको उसे कट करना है चीला बनाने के बाद, और कट मतलब जैसे शक्करपारे का शेप जो होता है वो देना है उसे, और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म था तो इस वजह से शक्करपारे का शेप उसको नहीं आया था मैंने जब दिया था, और सिर्फ टुकड़े टुकड़े करके आप वैसे भी डाल सकते हो टुकड़े करके उसके, तो वो पहले जो ग्रेवी है वो बॉयल होने देनी है, उसके बाद उसे ऐड करना है उसमें, ग्रेवी बॉयल हो जाने के बाद ऐड करना है, और ग्रेवी बॉयल हो जाएगी उसके बाद उसे बंद कर देना है, मतलब गैस ऑफ कर देना है, और उसके बाद उसे ऐड करना है उसमें, तो हमारा जो मतलब हमारी जो सब्जी है उसके बाद रेडी हो जाएगी। धनिया पत्ता वगैरह हो तो गार्निश के लिए डाल देना है, बट अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ भी सब्जियां वगैरह नहीं है घर पे इतनी सारी, तो इस वजह से जो है उसमें ही काम चलाना पड़ रहा है मेरे यहाँ पर ही नहीं सभी के यहाँ पे अभी तो ऐसे ही चल रहा होगा। तो बस यहाँ पर जो आयता है हमारा रेडी हो चुका था, सेकेंड आयता, और एक आयता मैंने उसमें सब्जी में डाल दिया था, बस इसी तरह से सब्जी रेडी हो गई थी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी बनी है। बस अभी डिनर करने की बारी है, डिनर कर लेंगे उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और सब कुछ हो चुका है,
यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर ली है मैंने, डिनर भी हो गया है, क्लीनिंग कर ली है, बर्तन क्लीन कर लिए हैं, यहाँ पे सब कुछ हो गया है। और ये बाहर अद्विक महाराज क्या कर रहे हैं, अद्विक, हाँ अद्विक देख रहा है मोबाइल में स्टोरीज, इन्होंने स्टोरीज डाउनलोड की थी उसके लिए, मतलब मंकी वगैरह की, तो वो देख रहा है वो बाहर झूले में। यहाँ पर माही बैठी है और ये अद्विक बैठा है यहाँ पे, और उसके पापा डाल रहे हैं गार्डन में पानी। और हाँ, ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। सो गाइस, नाम लेने का टाइम आ गया है, और फर्स्ट नाम है सोनाली घोष और सेकंड नाम है, फरीदा जी ने रिक्वेस्ट की थी उनकी बेटी का नाम लेने के लिए, तो उनकी बेटी का नाम है मुफीज। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और हाँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट की रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड लव यू ऑल।